तो क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है, टी इक्वल टू जीरो पर, पार्टिकल एस इक्वल टू जीरो पर है, और पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन दिया हुआ है। हमें पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पार्टिकल का एक्सलेरेशन निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है जब तक पार्टिकल एस मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं VT और AT पर। तो VT और AT के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर V की वैल्यू लिखेंगे dx by dt, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें V एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, और इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें A एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी पर। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है। अब टाइम टेकन के लिए हम क्या करेंगे, एक्स टी यूज करेंगे। ठीक है, तो हम एक्स के जहां पर एस पुट करेंगे वहां से टी की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उस टी से एस को डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले वी को पुट करते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू रूट एक्स, एंड दिस इंप्लाई दैट dx divided by root x equal to alpha dt integrating both sides। ठीक है, तेज हो गया x to the power minus half हो गया। ठीक है, तेज हो गया इसका इंटीग्रेशन x to the power minus half plus 1 divided by minus half plus 1 लिमिट। अब लिमिट क्या पुट करेंगे कि t equal to 0 पर x की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो लिमिट पुट करते समय हमेशा अलर्ट रहना है। और लिमिट पुट कैसे करते हैं, इनिशियल कंडीशन को देखकर हम लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में दिया हुआ है कि t इक्वल टू 0 पर s इक्वल टू 0 है। अब हम मान लेते हैं कि t सेकंड के बाद उसका पोजीशन x हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा इंटू टी, ये हो गया एक्स टू द पावर हाफ डिवाइड बाई हाफ, इसका जो लिमिट है वो 0 टू एक्स है, 0 टू एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी, एंड दिस इंप्लाई दैट ये हो गया 2 रूट एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू टी। तो यहां हमें एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, ये हो गया एक्स रूट एक्स इक्वल टू अल्फा टी बाई टू, and this implies that x is equal to alpha square t square by 4। ठीक है, so this is displacement और x coordinate as a function of time। अब हम इसको differentiate करके vt निकालेंगे, so this implies that velocity as a function of time is given by ये हो गया alpha square by 4 constant और t square का differentiation 2t। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू टी, ये वेलोसिटी हो गया। अब एक्सेलरेशन भी निकालते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हो गया अल्फा स्क्वायर बाय 2। तो ये दोनों हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो और भी इसको मेथड निकालने के दूसरा मेथड भी हम देखते हैं। अगर हमें याद होगा, हम जानते हैं कि अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे तो ये वाला इक्वेशन होल्ड करता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। ठीक है, इस केस में अगर यू की वैल्यू जीरो हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा वी इक्वल टू रूट अंडर टू ए एक्स मिलेगा। ठीक है, अब हम चाहें तो इन दोनों को कंपेयर करके भी VT और AT निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल टू रूट अंडर अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, अब अगर दोनों सेम है तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 2a होना चाहिए, हो गया ये,
दिस इंप्लाई दैट अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2a, तो यहां से भी a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और वो हो जाता है अल्फा स्क्वायर बाय 2, ठीक है, बिल्कुल सेम, पहले भी हमारा अल्फा स्क्वायर बाय 2 आया था और अभी भी अल्फा स्क्वायर बाय 2 आ रहा है। और हमें भी ये जो फंक्शन ऑफ टाइम भी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इसको यूज करते हैं v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन होल्ड कब किया था, जब u इक्वल टू 0 था, तो यहां भी u इक्वल टू 0, a की वैल्यू पुट करेंगे अल्फा स्क्वायर बाय 2 इनटू t, तो इस तरह से हम वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते हैं, पहले भी वही आंसर आया था ये रहा, ठीक है। अब लास्ट आते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम दोनों मेथड से इसको फाइंड आउट करेंगे। नाउ v एवरेज इज गिवन बाई डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट s हमें दिया हुआ है, हमें टाइम टेकन निकालना है, तो s मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, s की वैल्यू s पुट करते हैं, तो यहां से हमें मिला s इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू टी स्क्वायर, तो यहां से हम t की वैल्यू निकालते हैं, ये हो गया टी स्क्वायर इक्वल टू 4s डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर, तो t हो गया रूट अंडर 4s बाई अल्फा स्क्वायर, ये हो गया 2 बाई अल्फा इंटू रूट एस, ठीक है, तो t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये रहा 2 बाई अल्फा इंटू रूट एस, ठीक है, तो यहां से रूट एस बचेगा ऊपर में, ये अल्फा ऊपर गया डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चाहे तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, हमें पता है कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा हो तो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय u प्लस v डिवाइड बाय 2, इसको हम यूज कर सकते हैं, तो हमारे केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हमें फाइनल वेलोसिटी अगर मिल जाए s पर, तो हम यहां से आराम से निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी हमें s पे निकालना है तो s की वैल्यू s पुट करना होगा, तो पुट करते हैं, तो 0 प्लस अल्फा इंटू रूट s डिवाइड बाई 2, दिस बिकम्स अल्फा इंटू रूट s डिवाइड बाई 2, अगेन सेम आंसर ले रहा, ठीक है, तो दोनों तरह से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया, थैंक यू।